अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरा इमरान फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और करते हैं जी वीडियो का आगाज़। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी हूँ मेहंदी का व्लॉग। अब ये है शादी का, और शादी पे हम लोग आ चुके थे और इस कदर सर्दी थी कि सर्दी के साथ सब ठर ठर कर रहे थे। और निकाह जो था वो हो चुका था, निकाह की पुड़ियाँ हमें मिल गई थी। निकाह के जो शुआरे होते हैं वो हम लोगों ने खाए हैं। फिर उसके बाद दुल्हन भी रेडी हो चुकी थी, तो हमने फिर दुल्हन के साथ कुछ शुशकों वाली, कुछ शौकियों वाली मैंने कहा वीडियोस ले लें और क्लिप्स ले लें तो मेमोरीज हो जाएंगी। तो ये दुल्हन की लुक थी, दुल्हन माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इस दुल्हन के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और अपने घर में बहुत सारी खुशियाँ दे अल्लाह पाक। ये हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से ही ये रीत रिवाज चलता आ रहा है कि बेटियों घर में नहीं रख सकते, हर हाल में उन्होंने अपने घर ही जाना होता है शादी करके। तो अल्लाह ताला बेटियां होती भी बहुत प्यारी हैं और दुल्हन बनके तो और भी प्यारी लगती हैं, तो अल्लाह ताला सब बच्चियों का नसीब अच्छे करें। तो ये दुल्हन थी और दुल्हन के दूल्हे का जो नाम था वो शिराज था, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर लिखा हुआ है शिराज। तो दुल्हन ने खूब मतलब के एक्शंस के साथ और खूब फ़ोटो शूट भी करवाया और वीडियोस वगैरह भी लिए हैं सबने। ये फाइनल लुक थी और जो दुल्हन का ड्रेस था शादी वाला वो भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था, और दुल्हन को सूट भी बहुत किया है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही थी। तो अल्लाह ताला इसके नसीब भी इतने ही प्यारे करे। तो ये दुल्हन ने और दुल्हन की जो फ्रेंड्स आई हुई थी ना वो खूब सेल्फीज़ और वीडियोस और पिक्चर्स ले रही थी, तो मैंने भी कहा कि आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा और मेरे पास भी वीडियोस जो हैं वो सेव हो जाएंगे मेमोरीज़ में। तो इस तरह से था कुछ। और ये है कि जो भी मैं छोटी छोटी सी वीडियोज़ या क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो प्लीज़ उसको लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये है मेरी फ़ाइनल लुक जो मेरी ये थी, मैंने इस तरह से कुछ रेडी हुई हुई थी। तो अमल और आयत जो थी खूब खेल रही थी, आयत तो अपना खेलती रही। आयत ने ना वाइट ही मतलब के पर्पल सी और वाइट सी जर्सी पहनी हुई थी और आयत ने खूब नीचे खेला है। इस कदर उसने नीचे जो है ना खेला है कि जर्सी का और कपड़ों का पूरा हाल कर लिया था। और मुझे गजरे जो हैं वो बहुत ही पसंद हैं और मैं गजरे बहुत ही शौक से पहनती भी हूँ। तो ये दुल्हन के गजरे थे और दुल्हन को जब पहनाया ना तो वो पहन रही थी, तो फिर उसका क्यों निकाह हो चुका था तो फिर जो बड़ी होती हैं आंटियाँ वगैरह वो कहने लगी हैं कि जी दुल्हन को गजरे नहीं पहनाते निकाह के बाद, तो आप गजरे ना पहने। तो फिर उसने उतार कर रख दिया, तो फिर मैंने उसे पूछा कि ये गजरे मैं पहन सकती हूँ, तो उसने कहा ठीक है आप पहन लें। तो फिर मैंने पहन लिए और मैंने ये ऐसे छोटे छोटे से क्लिप्स भी ले लिए और वीडियो भी बना ली, और मेरा शौक भी था वो भी पूरा हो गया गजरों वाला। मेहंदी पे भी मैंने इनसे कहा था कि मुझे गजरा लेके दें गजरे, तो जब हम दुल्हन के साथ उनके घर जा रहे थे तो फिर मैंने गजरे लिए थे और गजरे मैंने भी पहने थे। तो गजरे मुझे बहुत पसंद है। तो एक दिन हम लोग बहावलपुर गए हैं, तो वापसी पे जब आए ना तो मैंने इनसे बोला कि मुझे ना गजरे ले दें, तो इन्होंने ना मुझे वो ले तो दिए और मैंने इनके इनसे कहा कि मुझे पहना भी दें। मुझे कहने लगे कि थोड़ी देर तक पहनाऊँगा, अभी आप ना बैठे हैं, अभी हम लोग सफ़र कर लें या घर जाके पहना दूँगा। तो मैं वो गजरा बेचारा हीटर में गाड़ी चल रही होती है उससे बेचारा सूख गया, ना मैंने पहना और ना ही वो उन्होंने मुझे पहनाया। तो इसके साथ भी मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आऊँगी नई वीडियो के साथ। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।